हेलो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि ड्रिल बिट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, पहले ये हमारा सॉलिड वर्क्स का वर्क बेंच है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केच सेक्शन में जाएंगे। स्केच सेक्शन में जाने के बाद हम चूज करेंगे पॉलीगॉन कमांड। ये हमारा साइड देख लो, 1 2 3 4 सिक्स पैरामीटर हम चूज करेंगे। यहाँ 6 पैरामीटर चूज करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल से ये ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा डिस्टेंस मांगता है, जो इनर सर्कल का जो रेड जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर हम डायमेंशन से यहाँ दे देंगे। डायमेंशन से देने के बाद सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद ये हमारा ऐसा बन जाएगा। ये हमें देखना है कि हम एक्सट्रूड हमें कितना करना है। एक्सट्रूड हम देख लो, यहाँ पे हम एक्सट्रूड फीचर में जाते हैं। एक्सट्रूड फीचर में जाने के बाद मैंने ऑलरेडी इसे कंप्लीट करा हुआ है, इसलिए मैं आपको बस दिखाने के लिए ये देख, ये मैंने एक्सट्रूड करा हुआ है। मिडिल से, मिड प्लेन से एक्सट्रूड करा हुआ है। ये डायरेक्शन वन है, मिड प्लेन से 15 mm एक्सट्रूड किया हुआ है। 15 mm तक एक्सट्रूड कर दिया और ये हमारा ऐसा तैयार हुआ। एक्सट्रूड करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, फिलेट लगाएंगे। फिलेट लगाएंगे, ये जितने हमारे जो ये सब जो एंड है ना, इस पर हम फिलेट लगाएंगे। फिलेट यूज करेंगे, फिलेट, ये फिलेट, फिलेट की जो हम जो रेडियस रखेंगे, फिलेट की रेडियस वो हमारी होगी 1 mm। ये देख लो, ये हमने फिलेट लगा रखा है, सारे एजेस पे फिलेट लगा रखा है। इस पर फिलेट लगाया, 1 mm रेडियस की फिलेट हमने यूज किया है। यहाँ पर फिलेट यूज करने के बाद यहाँ पे हम टेंजेंट प्रोपोगेशन पे सिलेक्ट करेंगे। फुल प्रीव्यू, ये फिलेट का पैरामीटर हमारा यहाँ सिमेट्रिक आ जाएगा, प्रोफाइल सर्कुलर। ओके, और हम यहाँ इसको ओके करेंगे। ये हमारा फिलेट तैयार हो गया। ओके, फिलेट तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर एक प्लेन लेंगे, हम एक प्लेन लेंगे, मिड प्लेन लेंगे हम। जैसे हमने यहाँ मिड प्लेन ले रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हम प्लेन लिए, राइट प्लेन लिया, एक राइट प्लेन लेने के बाद इसको ओके किया। ओके करने के बाद फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व सेक्शन के लिए हमें हमारा जो स्केच होगा इस टाइप से होगा स्केच। ये देखो आप, इस टाइप से हमारी ज्योमेट्री बनेगी। ये ज्योमेट्री ऐसे है, ये ऐसे एज ऐसे बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा 1.25 mm का डिस्टेंस होगा। ये 1.25 mm का डिस्टेंस, इसको हम कट करेंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे। एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं और कट रिवॉल्व भी कर सकते हैं। कट रिवॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऐसे, ये कट रिवॉल्व यहाँ पे दिया हुआ है हमारा रिवॉल्व कट। इस सेक्शन पे जाएंगे, ये हमारा कट रिवॉल्व हो गया। देखो ऐसा, इस टाइप की हमारी पार्ट बनेगी, ये हमारा बन गया। फिर हम एक प्लेन और लेंगे, जो हमारा टॉप प्लेन होगा। प्लेन, ये हमारा टॉप प्लेन है, इस टाइप से देखो, टॉप प्लेन हमारे मिड पे टॉप प्लेन आ गया। टॉप प्लेन आने के बाद ओके करेंगे, टॉप प्लेन आ गया। फिर उसके बाद मिरर कमांड करेंगे, क्योंकि हमें जो, हमने जो टॉप प्लेन पे हमने जो ज्योमेट्री बना रखी है, वो हमें इसको मिरर करना है इस साइड पे। देखो सेम वैसा ही, जो जैसा हमने इस साइड बना रखा है, वही सेम ज्योमेट्री हमें इधर भी चाहिए। तो हम जैसे मिरर कमांड चलाएंगे, तो पूछता है पहले कि ये किस चीज़ को, फीचर किस फीचर को हमें मिरर करना है। तो ये फीचर हमने ऑलरेडी बना रखा है, इस फीचर को हमें इस साइड मिरर करना है। अगर हमें हमारा फेस है तो फेस को सेलेक्ट करके हम मिरर करेंगे। अगर हमारा फीचर है तो फीचर को सेलेक्ट करके मिरर करेंगे। तो वो हम उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो हमारा सेम ज्योमेट्री इधर भी तैयार हो जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक हम पार्ट ज्योमेट्री बनाएंगे, जो हमारा इस पार्ट पे, ये हमारा क्या है, इस टाइप की ज्योमेट्री बन गई। इसका हम डायमेंशन अगर देखना चाहें, डायमेंशन हमारा 5.41 है, जो हमारे टोटल जो ड्रिल बिट का ज्योमेट्री है उससे थोड़ा कम होना चाहिए।